गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 7 देखेंगे इंग्लिश में, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। ठीक है, यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने एयर के बारे में कि क्या क्या काम आती है एयर, जो हमारे चारों तरफ एयर होती है। ठीक है, एयर जो इनविजिबल होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जिसमें कंसिस्ट ऑफ काफ़ी सारी गैसें मिक्स होती हैं, तो वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, आई होप इस वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा वो चैप्टर। तो पेज नंबर है आपका 32। ठीक है, और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 6 तक जो भी होमवर्क हो चुका है, ठीक है, चैप्टर्स रीडिंग पार्ट और बुक पार्ट जो भी हो चुका है, वो स्कूल में आके चेक करा दीजिए एक बार। ठीक है, ताकि आपके अपडेट मिलते रहे। अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, एयर अराउंड अस। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट पेज नंबर 32 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 7, कि एयर इज ऑल अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ क्या होती है, एयर होती है। We can feel air, but cannot touch and see. कि हम इस एयर को फील तो कर सकते हैं, बट ना तो उसको छू सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हैं। All living things breathe in and breathe out air. ये सारी जो चीज मतलब जीने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो सब क्या एयर के थ्रू ही सर्वाइवल करते हैं। आगे की देयर इज एयर इन वाटर, वाटर में भी क्या एयर होती है। फिश यूज द एयर मिक्स इन वाटर टू ब्रीथ, जो पानी में जो फिश रहती है वो वाटर में मिक्स जो एयर होती है उसके थ्रू ही क्या सांस लेती है और सर्वाइव करती है। ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड फ्रेश एयर टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी, यानी जो इंसान हुए और जो बर्ड्स हुए, ठीक है, और जो एनिमल्स हुए, इन सबको फ्रेश एयर चाहिए लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैस, यानी एयर क्या अलग अलग गैसों से बना होता है। दे इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, यानी इसमें अलग अलग टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, जो मेनली जो होती है वो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी जो अदर गैसें होती हैं उनकी जो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। मेनली जो होती है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होती है। जैसे कि द कम्पोजिशन ऑफ एयर इज, नाइट्रोजन इसमें 78% सबसे ज़्यादा होती है एंड ऑक्सीजन होती है 21%, और फिर इसके अलावा जो अदर गैसेज 1% होती है उसमें वो अदर गैसेज आती है, जो हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, सब। ठीक है, ट्रीज एंड ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड कूल, कि जो पेड़ होते हैं और हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो हरे हरे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो इस अपनी जो एयर में हम यूज करते हैं उसको फ्रेश और कूल बनाते हैं। फ्रेश एंड क्लीन एयर प्रिवेंट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम फॉलिंग सिक, अगर आप फ्रेश एयर लेते हो, ठीक है, डेली, तो आप लगभग काफ़ी हद तक बीमारियों से बचने में कारगर हो गए, बच्चे बच सकते हो, क्योंकि फ्रेश एयर से क्या जो एयर हमारे बॉडी में जाती है वो हमें एयर अच्छी ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में चांसेस बहुत कम होंगे कि हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी लगे या हम बीमार पड़े। एयर दैट इज नॉट क्लीन इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर, यानी वह एयर ऐसी हवा जो दूषित होती है, जो मतलब गंदी हवा होती है, उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेड एयर, यानी जो फ्रेश नहीं होती है। द फॉलिंग ऑफ एयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, क्योंकि इंसानों के द्वारा जो आजकल एक्टिविटी की जा रही है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, एयर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहला है कि एयर का वेट, एयर में क्या होता है, वेट होता है। ये सब जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सेकेंड है एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि एयर हर जगह प्रेजेंट होगी। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर में कुछ स्पेस भी होता है। एयर एक्सेप्ट प्रेशर, एयर में क्या प्रेशर भी होता है। आगे व्हाई डज एयर गेट डर्टी, एयर गंदी क्यों हो जाती है। पीपल डू मेनी थिंग टू मेक एयर डर्टी, जो लोग होते हैं काफ़ी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एयर डर्टी हो जाती है। पहला कि स्मोक इज द ग्रे, ब्लैक और वाइट मिक्सचर ऑफ गैस, स्मोक होता है वो ग्रे भी हो सकता है, ब्लैक और वाइट और मिक्सचर ऑफ गैसेज हो सकता है। दैट इज प्रोड्यूस When something burns, जो स्मोक अब पैदा होता है तब वो प्रोड्यूस होता है जब कोई चीज हम जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, जब उसमें से स्मोक निकलता है। स्मोक पोल्यूट द एयर एंड मेक इट अनफिट फॉर ब्रीथिंग, स्मोक निकलता है उससे क्या होता है, वो एयर को प्रदूषित कर देता है और जिससे हम सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। सेकेंड है वैन पिकअप एंड स्नीज एंड रिलीज जर्म्स इन टू द एयर, जब जुकाम खांसी हो जाती है, जब हम छींकते हैं तो खांसते हैं, उसमें से निकलने वाले जो जर्म्स होते हैं वो हवा में जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग वुड, अब जैसे इंसानों के द्वारा कहा जाता है कि बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाना,
फ्यूल, ठीक है, क्रैकर्स, पटाखे जलाना, तेल जलाना और गार्बेज को जलाना एंड अदर थिंग्स कॉजेस एयर पोल्यूशन। तो ये सब चीजें करने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। आगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट होता है वो देखेंगे। पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर ट्रैपिंग टू मच हीट, जैसे एयर में जो भी जो चीजें एयर पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है, जो ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक है, तो जो चीजें पोल्यूशन को फैलाती है उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। दिस इज मेकिंग द टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड गो अप, मतलब इससे क्या होता है कि जिससे पूरी एनवायरनमेंट में, पूरी दुनिया में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमारी एयर दूषित रहेगी तो इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। टू मच ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट द आइस इन नॉर्थ एंड साउथ पोल, कि ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल का आइस है वो पिघलना स्टार्ट होती है। दिस विल फिल मोर वाटर इन द ओशन, और ये कैसे फील होगी जब ओशन में ज्यादा से ज्यादा पानी मौजूद हो। एयर पोल्यूशन अफेक्ट आवर हेल्थ इन मेनी वेज इट कॉज, अब एयर पोल्यूशन से हमारी हेल्थ पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। पहला है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया। सेकंड है रेडनेस ऑफ आईज, आंखों का लाल हो जाना। थर्ड है एलर्जी, कफिंग, स्नीजिंग, सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब चीजें। फोर्थ डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, यानी अस्थमा की बीमारी हो जाएगी, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी, तो वो एक बड़ी बीमारी है अस्थमा जो आपके एयर पोल्यूशन से हो सकती है। आगे हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन, कैसे एयर को क्लीन रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। आगे के देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू कीप द एयर क्लीन, कई सारे तरीके हैं जिससे हम हवा को क्लीन रख सकते हैं। पहला कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, जैसे हमें पता है कि प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं वो एयर को फ्रेश और कूल रखते हैं, इसलिए हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कप और स्नीज इन टू हैंकी सो दैट वी डू नॉट स्प्रेड जर्म्स इन टू द एयर, कि जब हम छींकते हैं खांसते हैं तो हमें हैंकी का यूज करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे मुंह से निकलने वाले जर्म्स हैं वो एयर में जाके मिक्स ना हो। थर्ड है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है उसको भी हमें रोकना चाहिए। फोर्थ वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए एंड फ्री ऑफ डस्ट और जो गंदगी है उससे साफ होना चाहिए। We must not throw the garbage on the road. हमें गार्बेज कचरे को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, but keep it covered in a bin. यानी हमें डस्टबिन रखना चाहिए, उसके अंदर उसको रखना चाहिए। Fifth, we should always dump garbage in the composite and not burn it. हमें गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए, हमें उसे कहीं ऐसी जगह पर खड्डा खोद के काट देना चाहिए। We should never spit in the open. हमें कभी ओपन में नहीं थूकना चाहिए। Spitting in the open attracts flies एंड मेक्स द सराउंडिंग डर्टी, अगर हम कहीं भी इधर उधर थूक देते हैं तो उससे क्या होता है गंदगी फैलती है और गंदगी फैलने में वहाँ पर मक्खियाँ लगती है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण गंदा हो जाता है। सेवंथ, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट नियर आवर हाउस, प्रॉपर ड्रेन शुड बी मेड फॉर वाटर ड्रेनेज, यानी हमारे घरों में से जो पानी निकलता है उसका निकलने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है, उससे गंदगी होती है, उससे भी पोल्यूशन फैलता है। फैक्ट्री शुड बी बिल्ड अवे फ्रॉम द हाउस, कि जो फैक्ट्रियाँ बनती है वो घरों से काफ़ी दूर बननी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो केमिकल्स है और उससे धुआं जो निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है एयर को। देयर चिमनीज शुड बी वेरी टॉल सो दैट स्मोक फ्रॉम देयर इज सेंट हायर, क्योंकि जो चिमनियाँ होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इससे वो स्मोक काफ़ी ऊँचाई तक चला जाता है। नेक्स्ट एक्सपायर, पीपल इन विलेज आर लकी टू हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ, कि जो गाँव में लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि वहाँ पर हमें गाँव में फ्रेश एयर मिलती है। दिस इज बिकॉज देर इज नॉट मच ट्रैफिक, ऐसा क्यों होता है कि गाँव में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, वहाँ इतने व्हीकल्स नहीं चलते हैं और व्हीकल्स नहीं चलते हैं तो व्हीकल से ना, अगर व्हीकल्स नहीं चलेंगे तो वहाँ उससे धुआं नहीं निकलेगा, स्मोक नहीं निकलेगा, और स्मोक नहीं निकलेगा तो वहाँ पर क्या होगा पोल्यूशन नहीं होगा। और वहाँ पर गाँव में क्या होता है कि फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं, ना तो फैक्ट्रियों से निकलने वाली कोई ऐसी केमिकल्स होते हैं जिससे पोल्यूशन हो, इस वजह से जो गांव में जो अपने एयर लेते हैं वो बिल्कुल आपको फ्रेश एयर होती है। देयर इज अ वेरी लिटिल डस्ट एंड स्मोक इन द सराउंडिंग एरियाज, और गांव में अभी आपको ज़्यादा गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, गंदगी होती है बट इतनी नहीं होती है, गंदगी वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी होती है। विलेजर्स आर ऑल्सो फुल ऑफ टी एंड
प्लांट। और आपको गांव में जाओगे तो गांव में आपको मोस्टली क्या है, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, काफी हरा भरा होता है, ठीक है, कंपेयर टू सिटी। सिटी में आपको इतना पेड़ पौधे ये सब देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आपको फोटो में दिखा रखा है, तो फोटो में सिटी की और विलेज, सिटी में क्या है ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, इससे क्या होता है पॉल्यूशन हो रहा है। गाँव में क्या है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग खेती करते हैं, ठीक है, इस वजह से वहाँ पर पेड़ पौधों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं। और पहली बार जो पेड़ पौधे जितना ज़्यादा रहेंगे उससे हमारी जो एयर है वो फ्रेश एंड कूल रहेगी, तो इस वजह से गाँव में एयर जो मिलती है हमको एकदम फ्रेश एयर मिलती है कंपेयरिंग टू सिटी, ठीक है। तो ये था आज के चैप्टर में एयर के बारे में, छोटा सा चैप्टर था, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कल आपको मैं इसके बुक पर, अगर आप कर सकते हैं बुक से ढूंढ के तो खुद कीजिएगा, ठीक है, और क्योंकि आसान है ज़्यादा बुक पर हार्ड भी है इसके, नहीं तो मैं आपको कल व्हाट्सएप पर भेज दूँगा इसके बुक पर और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और बुक पर इसके ए बी एंड सी और डी तक इसके बुक पर हैं, फर्स्ट में आपका टिक द रेड ऑप्शन है, सेकेंड में आपका फिल द ब्लैंक्स है, ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं जो आप बुक कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल ईजी है, आराम से हो जाएंगे। सी में आपके ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उस पर ट्रू स्टिक करना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उस पर फॉल्स लगाना है। और डी में आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स, आपको जो आंसर है वो वन और टू वर्ड्स में देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द एयर प्रेशर कूल, क्या चीज़ है जिससे एयर प्रेशर कूल रहती है, तो उससे क्या होता है प्लांट मोर ट्रीज, उससे एयर प्रेशर कूल रहती है, वन वर्ड में आंसर देना है। व्हाट इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। इस तरीके से आपको करना, खुद आप बुक से जो चैप्टर पढ़ चुके हो तो उसमें से आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता तो बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।